I think right from day one, Sunny hai, Anand hai, इन लोगों ने जब से शुरू किया है तब से. I was also about to own a team. तो उनका association is like a family and I'm very very proud of them that वो लोग दो साल तो हुए हैं और दो साल एकदम style में हुआ है. दो साल के completion पे the BCL is happening international. US में होने वाला है and US में I don't think television का कोई इससे बड़ा availabilities are going traveling एक साथ and they're going to perform for the people. So we are really looking forward to that the US ke fans se hum log milne ka mauka milega and unhe entertain karne ka personally mauka milega. I'm excited because BCL has been really fun entertainment hai, logo ko to pasand aa hi raha hai. मैंने वैसे to be very honest मैंने सारे देखे तो हैं नहीं matches but जितना भी देखा है enjoy किया है and I hope कि ये जो BCL is going international ये सबसे बड़ा event like he said and especially लखनऊ नवाब्स उसके जो owner थे अजय he is taking all of us there in the US and that is a big thing and it's a very very proud moment very very happy for us because BCL is showing yes is there any plan or what other things we want to explore there. Things we are gonna explore. See, the thing is, हम अगर कहीं पे जाते हैं, तो एक तो ये होता है, obviously we have work there, that's the reason we are going, and we definitely take out time to travel. और साथ में हम जैसे कीड़े वाले जो लोग होते हैं, जिनमें filmmaking का कीड़ा होता है, वो ये भी सोचते हैं कि जाके वहाँ पे कुछ shoot कर ही आते हैं, और हमारा वैसा ही कुछ दिमाग में plan है. Right, because अजय हमारे short film के पहले पहले शॉर्ट फिल्म के हीरो रह चुके हैं और उनकी फिल्म कांस में आल्सो डिड वेरी वेल. तो इसके लिए वी आर प्लानिंग समथिंग एल्स आल्सो. तो बीसीएल के बाद अभी तो पार्टी शुरू हुई है टाइप्स होने वाला है. आई थिंक वी आर गोइंग बी शूटिंग समथिंग देयर. हम लोग स्क्रिप्ट ढूंढ रहे हैं. अगर ऑडियंसेस आपके पास कोई अच्छी स्क्रिप्ट हो तो प्लीज सेंड इट टू अस बिकॉज वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ स्क्रिप्ट व्हिच कैन बी मेड इन यूएस. एंड ऑब्वियसली उसके बाद बीसीएल का बड़ा तड़का है. बीसीएल जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पहले टेलीविजन एक परिवार हुआ करता था. अभी हमारे परिवार में एक नया बैकयार्ड खुल गया, प्लेग्राउंड खुल गया कि जिसमें ऐसे प्लेग्राउंड में जहाँ सब लोग आके मिलते हैं, बातें करते हैं, गॉसिप होता है, मस्ती होती है, झगड़े भी होते हैं, लेकिन वो भी हर एक जहाँ चार बर्तन होंगे टन टन तो होगी. तो इट्स अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट. तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस प्लेग्राउंड गोइंग इंटरनेशनल. अभी हम बाहर जाके खेलेंगे. मानसून मेरा इनकमिंग फ्री है, जो भेज दो मैं सब खा लेता हूँ. तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है. बर्थडे भी आ रहा है, इनका बर्थ मंथ आज शुरू हो चुका है. सो ये पूछे कि इनके बर्थ मंथ में क्या प्लान है और क्या हो रहा है. इट्स रियली स्पेशल बिकॉज ये ट्रेंड शुरू हुआ था अविका के बर्थडे से. उसके लिए बर्थ वीक मनाया जाता था, फिर पता नहीं कहाँ से इन लोगों ने नया शुरू किया कि बर्थ मंथ मनाया जाए. तो हर रोज़ मेरे घर पे बहुत सारे गिफ्ट्स, बहुत सारे फ्लावर्स, बहुत सारे लवली लवली लेटर्स और बहुत सारी चीज़ें आती हैं. तो बर्थ मंथ की शुरुआत हो चुकी है एंड आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई होप गॉड मुझे बर्थडे पे ये प्रेजेंट दे कि मैं लेह लद्दाख जाके आऊँ. मैम ने कोई गिफ्ट नहीं दिया, शी इज़ अ पार्ट ऑफ द टीम. ये हैंड इन ग्लव रहती है फैंस के साथ. तो ये सब लोग मिलके इस बार कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पक रहा है आसपास, क्योंकि मेरे आसपास के जितने मेरे अपने हैं उन लोगों के आसपास कुछ सुनाई देता है. तो यू नो बंदा इतना बेवकूफ़ नहीं है, सब समझ रहा है कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है. अभी सीक्रेट यहाँ खोलेगी नहीं एंड ना ही फैंस खोलेंगे, तो लेट्स सी क्या आने वाला है. फिलहाल तो बुके आने शुरू हो गए. मनीष की दीवानी गैंग एंड रेडिकल रोस्टेड, यू गाइस नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट.